अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन बीनिश का टिफ़िन। आज बीनिश के टिफ़िन में क्या बनने जा रहा है? आज मैं आपके साथ मेरी फैमिली की फेवरेट डिश शेयर करने जा रही हूँ, जो कि काफ़ी दिन से फरमाइश कर रहे थे कि ये बनाई जाए, तो मैंने सोचा ये बना लीजिए और आपके साथ भी शेयर की जाए। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इस रेसिपी को लाइक करें। तो चलिए झटपट से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये मैं असेंबलिंग करते हुए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसकी डिटेल रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए इसकी असेंबलिंग करते हैं कि किस तरह से इसको रेडी करते हैं। सारी चीज़ें रेडी करने के बाद इसकी असेंबलिंग करनी होती है। इस तरह से सबसे पहले मैंने स्पैगेटी लिए, इसके ऊपर बेसन की करी ऐड किए, फिर चिकन की करी ऐड करेंगे, फिर फ्रेंच फ्राइज ऐड किए, फिर ऊपर से हम चाट मसाला ऐड कर रहे हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे और फिर हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करेंगे और फिर इसके ऊपर क्रिस्पी सी पापड़ी ऐड करेंगे। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ, ये खाउसे बनाया है मैंने, जो कि मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये एक मेमनी डिश है खाउसे, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोगों के भी मुँह में पानी आ रहा होगा देख के, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। डिटेल रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और न्यूज़ अबदस या अमीर रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।